प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दें। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है आप लोगों के लिए। इससे पहले कि आज का टॉपिक क्या है इस पर बात करूं, मैं पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल को अपने हाथ में लेता हूं, क्योंकि मैं इसको अपने हाथ में इसलिए लिया है ताकि तुम लोग इसकी वैल्यू को, इसके लिखे हुए पवित्र वचनों को इतना ज़्यादा अपने जीवन में महत्व दो, फिर उससे बदलेगा आपका जीवन और आप एक राइट डायरेक्शन में चलोगे जब आपका ये विश्वास होगा। मुझे याद है जब मैं शुरू में प्रभु यीशु मसीह में आया तो जब मुझे वचनों की समझ आई, ये वचन ये कहता है, ये वचन ये कहता है, तो मैं वचनों को अंदर से बड़ा दर्जा देने लगा। प्रभु का वचन ये, प्रभु ने ऐसा कहा है। उन दिनों में पहले मैं एक कॉन्ट्रैक्टर था, वेटरों का भी और बिल्डिंग लाइन में भी कॉन्ट्रैक्टर था, तो मैं ड्रिंक भी कर लेता था, छोटा मोटा नशा भी कर लेता था यीशु मसीह में जब नहीं था। लेकिन ये बात को याद रखो, जब मुझे पता चला कि नशा बाइबल में लिखा ये दुष्ट की चीज़ है, तो मैं देखता भी नहीं था डर से। मेरे अंदर वचन का महत्व इतना काम करने लगा। तो ये बड़ा स्टैंडर्ड इसका है जो हमारे जीवन में होना चाहिए। और परमेश्वर ने भी कहा कि मैंने अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा महत्व किसको दिया, अपने वचन को दिया है। सो आज टॉपिक है, अगर आपकी प्रार्थना बीच बीच में रुक जाती है और आप कई सारी बातों से, अनसेंसली बातों से परेशान हो जाते हो, तो खास ये वचन आपके लिए, ये टॉपिक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वो लोग बहन भाई जो अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाते, आत्मा से भरकर प्रार्थना नहीं करते, कर नहीं पाते, या प्रार्थना का महत्व उनके जीवन में इतने अच्छे से नहीं है कि प्रार्थना एक्चुअली में क्यों करना ज़रूरी है, प्रार्थना करने का महत्व क्या है और कैसे ये अच्छे से प्रार्थना हो सकती है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो एक बैटरी, जब उसे हम चार्ज करते हैं ना, जैसे ये हमारे कैमरे लगे, इसमें भी एक बैटरी लगती है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, तो चार्ज होने से जब वो चार्ज हो जाती है तो वो काम करती है ना अपना, उसमें एक पावर आ जाती है, तो जब वो पावर ख़त्म हो जाती है तो फिर उसको चार्ज करना पड़ता है। तो सेम हमारा जो आत्मिक जीवन है वो भी प्रार्थना क्या करती है, उसको एक चार्ज करती है, हमारे अंदर एक आत्मिक उन्नति को क्रिएट करती है, आत्मिक उन्नति को क्रिएट करती है। ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि जब तुम कुरंथियस में पढ़ोगे तो ऐसे लिखा है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी ही आत्मिक उन्नति करता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, तीसरा यूहन्ना, इसका एक वचन हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सुनेंगे। बहुत ही ये पावरफुल वचन है परमेश्वर का, इसको मैं बहुत ऐसे विश्वास करता हूँ इस वचन को। यूहन्ना की तीसरी पत्री में ऐसे लिखा, 1:2 में, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रही। अब इस वचन को ध्यान से सुनो, यूहन्ना परमेश्वर की कलीसिया को लिखता है बात, हे प्रियो, जैसे, मतलब सबसे पहले कहता मेरी ये प्रार्थना है, कहता मैं भी ये परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ, जैसे तुम लोग प्रार्थना करके क्या कर रहे हो, आत्मिक उन्नति कर रहे हो, तो आत्मिक उन्नति कर रहे हो और सब बातों में भी फिर उन्नति कर रहे हो, है ना, जैसे परिवार में, आपस में, रिश्ते में, कामकाज में, चीज़ों में, सब बातों में बरकत है ना, पैसे में भी, खाने पीने वाली चीज़ों में भी। तो फिर वो लिखता है और सब बातों में वही उन्नति करे और भला चंगा भी रहे, जिससे हमारा शरीर भी चंगा रहे।
तो एक वचन ये है, और दूसरा वचन मैं तुम लोगों को मत्ती में लेकर जाता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को इन सारे वचनों को पढ़ाने के बाद एक ज़बरदस्त पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा। हम पढ़ेंगे मत्ती 26 अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम लोग 40 वचन। ऐसे लिखा है, ये वो टाइम है अगले दिन जब यीशु मसीह ने पकड़वाए जाना था, तो वो रात गतसमनी बाग की रात है ये, और वहीं का मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ आपके लिए। फिर यीशु ने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पत्रस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? 48 में लिखा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। फिर आगे लिखा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये वचन बहुत पावरफुल है प्रार्थना के विषय में, जो आप लोगों को समझना होगा। बाइबल में ये लिखा है कि जब यीशु उस रात प्रार्थना कर रहा था और चेले नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और चेलों को हैबिट नहीं थी रात जागकर प्रार्थना करने की, एक वो और दूसरा नेगेटिविटी, उस रात अपना काम कर रही थी, चेले इतने स्पिरिट में फिल नहीं थे, क्योंकि वैसे भी अकॉर्डिंग टू बाइबल पवित्र आत्मा का दान परमानेंट नहीं था, उन्हें आत्मा शुद्ध था, शुभ के काम करता था, लेकिन परमानेंट उनके अंदर नहीं था, तो इसलिए नेगेटिविटी काम कर सकती थी उनके जीवन में। तो ये जब हुआ वो प्रार्थना एक घड़ी, मतलब पुराने नियम में एक घड़ी एक घंटे को लगभग बोलते थे, उसने कहा एक घंटा भी तो मेरे लिए नहीं जाग पाई, है ना। और बाइबल के अकॉर्डिंग यीशु मसीह ने उन्हें समझाया, जागते रहो प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है शरीर दुर्बल है। मतलब जो हमारा शारीरिक जीवन है वो दुर्बल है, वो आत्मिक चीज़ें नहीं करता, तो इसीलिए बाइबल में लिखा है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। लेकिन इस वचन के बाद जो यहाँ पर पढ़ा गया है, ये बड़ा विषय है कि हमारा शरीर दुर्बल है, हमेशा नेगेटिव साइड जाता है, आत्मिक साइड नहीं जाता, यही यीशु मसीह चेलों को समझा रहे थे, एक बड़ा पॉइंट। लेकिन मैं तुम्हें और भी कुछ पॉइंट समझाता हूँ। जैसे बाइबल में हम कुलसियों का एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे थसलोनिकियों का वचन। सबसे पहले हम एक कुलसियों का वचन पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। तो ये वचन है चैप्टर 4 उसका 2 वचन, ऐसे लिखा, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। किस चीज़ में? प्रार्थना में जागृत रहो। जागृत समझते हो ना, अलर्ट रहो। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है लगातार प्रार्थना में लगे रहो। एक वचन ये भी पढ़ते हैं इसका 5:17, ये फर्स्ट थसलोनिकियों, थसलोनिकियों है ना, फर्स्ट इसका पढ़ते हैं 5:17। यहाँ पर भी लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। 19 में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, और सब बातों को परखो जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन हमें लगातार निरंतर प्रार्थना करने की बात करता है। हालेलुया। सो अब हम इस कई सारे वचनों को पढ़ने के बाद इस टॉपिक पर आते हैं कि जो लोग क्यों अपनी लगातार प्रार्थना अच्छे से नहीं कर पाते। अगर अच्छे से लगातार लोग प्रार्थना नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? मैं 100% आपको बताना चाहता हूँ, लॉस होगा आपकी आत्मिक उन्नति का, आपके आत्मिक जीवन का। देखो, परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हमारे ऊपर हो चुका है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, संगति में बने रहते हैं, चलते हैं,
तो परमेश्वर की दया से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ होता रहता है, काम, आशीष, कुछ ना कुछ, लेकिन वो बहुत स्मॉल है, थोड़ा है। कुछ लोग शरीर में हैं तो परमेश्वर तो अनलिमिटेड है, उसका काम भी अनलिमिटेड है, लेकिन हम शरीर में छोटी सोच रखते हैं ना। हमारी बाइबल में लिखा ना एक जगह पर अफिसियों 3:20 में, परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जो हम परमेश्वर के सामने विनती प्रार्थना करते हैं उससे भी उससे भी कहीं अधिक काम करने की क्या रखता है वो सामर्थ। लेकिन हम लोग तो स्मॉल, छोटी सोच है हमारे अंदर। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना एक बड़ा पावरफुल विषय है जिसके बिना आप आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। और हमारा प्रार्थना एक रिलेशनशिप है, एक बड़ा खास विषय है, क्योंकि मैंने अपनी मिनिस्ट्री में भी ये देखा है कि अगर मैं कॉन्टिन्यू किसी भी विषय के लिए प्रे में रहता हूँ तो विषय परमेश्वर की पावर से सही होता है, ये बात याद रखो। तो इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उनको नींद आती है, ठीक है, जैसे वो प्रार्थना करना शुरू कर देते तो उनको नींद आना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को प्रार्थना करने टाइम टांगे खुसती है, जिसको मैं कहूँगा हिंदी में, उनमें हल्का सा अजीब सी झंझनाहट सी होने लगती है टांगों में, बॉडी में कुछ हल्का भारीपन। इसका मतलब है कि प्रार्थना कोई नॉर्मल विषय नहीं है, क्योंकि प्रार्थना को रोकने के लिए नेगेटिविटी काम करती है। वो लोग जो नेगेटिविटी को प्रार्थना में मौका दे देते हैं, जैसे अगर तुम इस विषय को कॉन्टिन्यू अपने जीवन में बनाकर रखोगे तो फिर नेगेटिविटी काम नहीं करेगी, जलेगी, उसको आग लग जाएगी, वो दूर भागेगी तुमसे नेगेटिविटी। तो तुम्हें ये आज सीखना होगा कि प्रेयर एक जबरदस्त विषय है एक बिलीवर के लिए। मैंने कई सारे वचन पढ़ दिए जिसमें लगातार प्रार्थना की बात परमेश्वर का वचन करता है, और हमारी ज़िंदगी में ये एक जबरदस्त आदत कह लो और इसकी रिस्पेक्ट कह लो, इस वचन की जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाना है, हमारी ज़िंदगी में होना है। अब ये कैसे आपकी कॉन्टिन्यू प्रार्थना रहेगी, मैंने ये बता दिया कि ये एक बड़ा महत्व है। शैतान चाहता तुम कभी भी प्रार्थना में ना जाओ, क्योंकि जब तुम प्रार्थना में जाओगे तो बड़ी उन्नति करोगे, बुद्धि आएगी, दर्शन आएगी, समझ आएगी, सब काम आसान हो जाएंगे, बिजनेस, प्यार बढ़ेगा, सब कुछ बेस्ट होगा प्रार्थना से। और शैतान चाहता तुम प्रार्थना ना करो, इसीलिए कई लोग कर नहीं पाते। वो रुकावट है नेगेटिविटी से, कैसे उसको हम तोड़ कर आगे बढ़ सकते हैं प्रार्थना को, ये पॉइंट पकड़ो। सबसे पहले जब तुम प्रार्थना करने बैठते हो, है ना, अकेले घर में, क्योंकि हमें पर्सनली प्रार्थना करनी चाहिए, जब तुम बैठते हो रूम में अकेले, तुम्हारे साथ ऐसा हो, तुम्हें नींद आए, तुम नींद के झटके लगें, तुम्हारी टांगों में कुछ हो, पीठ में दर्द हो, भारीपन हो, तो उस समय सबसे पहले तुमने उसे डांटना है अधिकार से, जो मेरी बॉडी में इस समय हो रहा है यीशु के सामर्थी नाम से हट जा। फिर तुम लोगों ने क्या करना है, उठ जाना है, कुछ टाइम खड़े होकर धन्यवाद करना है और अंगीकार करना है, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, मैं परमेश्वर का स्ट्रांग बच्चा हूँ, खुदा की सामर्थ मुझ में है, उसका आत्मा मुझ में है और वो काम कर रहा है। बाइबल में एक जगह पर रोमियो में लिखा है, तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, आत्मा हमारी दुर्बलता में क्या करता है, सहायता करता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो किस रीति से कैसे करना चाहिए, उस समय पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारी मदद करता है प्रार्थना करने में। तो उस समय तुम लोगों ने एक अंगीकार करना है और रुकावट को भी मुंह से बोलना है, आउट, तो कुछ नहीं है, तू टूट चुकी, आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और साथ साथ में अंगीकार करना है मुँह से, मैं स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर हूँ, मैं परमेश्वर का पवित्र बच्चा हूँ, उसकी संतान हूँ, मेरे शरीर पर कोई रुकावट नहीं, किसी चीज़ का अधिकार नहीं, क्योंकि मसीह ने मुझे आज़ाद किया, मैं आज़ाद हूँ। इस पॉइंट को आपने बड़ा जबरदस्त विश्वास से प्रैक्टिकल करना उस टाइम,
और आपने अपना एक स्केड्यूल बनाना है अपनी लाइफ में, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। हालेलुया। एक सिस्टम, एक हैबिट्स बनानी पड़ेगी आपको, सुबह कब बैठना है प्रार्थना में, रात को, शाम को, रात को कब बैठना है, और तब बैठना है उसको कंटिन्यू अपनी आदत को उसमें डालना, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, ये करना है अपने। ठीक है, सुनो ध्यान से, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पॉइंट, और साथ साथ में आपने पवित्र आत्मा को बोलना मेरे सहायक को, मेरी प्रार्थना में मदद कर रहे हो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और जो बहुत ज़्यादा फ्लो से कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप ये करोगे वो रुकावट हट जाएगी। अगर आपने एक हफ्ता ऐसे करना शुरू किया प्रैक्टिकल, कभी उठ के फिर घुटने टेके, फिर आपको लगे फिर उसे कमांड करना, डांटना और एक फेथ करना कि मैं इतनी प्रार्थना करूँगा, मैं घंटा करूँगा, मैं दो घंटे करूँगा, आप जब कन्फेस कर रहे होंगे तो परमेश्वर की पावर काम करेगी, आत्मा आपको हेल्प करेगा, फिर आप प्रार्थना में देखना एक आधे हफ्ते में आपकी प्रार्थना बढ़ जाएगी। बीच में रुकती कब है, जब आप क्या करते हो इधर उधर, कोई शादी आ गई, काम आ गया, बिजनेस आ गया, किसी दिन ज़्यादा थक गए तो आपने सोचा रहने दो, छोड़ना नहीं है उस आदत को, हटना नहीं है। दानियल के जीवन को देखो, वो 3 बार प्रे में जाता था, देश में कानून बन गया कि 21 दिन कोई भी अपने देवता परमेश्वर भगवान के आगे नहीं जाएगा, किसी भी देवता भगवान परमेश्वर को मानता हो। लेकिन दानियल जानता था कि ये शाही मोर लग गई इस हुक्म पर, और ये हुक्म है मौत का, लेकिन मौत भी सामने आने से वो डरा नहीं, अपनी उस आदत को परमेश्वर के सामने 3 बार जाने से हटा नहीं, और जिसका फल क्या निकला, शेरों के मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिए, उसको खा नहीं पाए। ये है परमेश्वर के सामने प्रेम में जाने की ताकत। तो ऐसा करने से मैंने दोनों तरफ बता दिया प्रार्थना का बड़ा महत्व, और रुकावट है नेगेटिविटी से कैसे वो टूटेगी, कैसे तुम इसमें बढ़ सकते हो, और ये जो छोटी छोटी बातों में तुम्हारा झगड़ा आ जाता है, क्लेश हो जाता है, मन आस हो जाता है, परेशान हो जाता है, ये सारा कारण है तुम्हारी आत्मिक उन्नति ना होने का कारण। तो इसका कोई दूसरा विकल्प या सोल्यूशन नहीं है, वो है प्रेयर। इसीलिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यू प्रे जो है वो तुम्हारे अंदर गुस्से को, क्रोध को, क्लेश को, झगड़े को, बॉस ने कोई बात कह दी, कोई हालात आ गया, कोई किसी ने बात कह दी, किसी ने ये बात कह दी, जब एक प्रे करने वाला व्यक्ति नहीं होता तो वो बड़ी जल्दी अपनी पेशेंस खो जाता है और आगे पीछे हो जाता है, सगों उसकी ज़िंदगी में, बल्कि ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने ये एक शॉर्ट मैसेज तुम्हारे लिए बनाया है ताकि तुम लोग इस विषय को पकड़ कर अपनी प्रे लाइफ में स्ट्रांग बन जाओ, और मेरा फेथ है कि आप लोग इस वचन के द्वारा इस पॉइंट को पकड़ चुके होंगे। तो आइए मैं आपके लिए छोटी सी एक प्रे करूँगा, जब भी आपको कोई रुकावट आए इस वचन को खोलना, सुनना और इस प्रे को भी आपने रिसीव करना, तो आइए आपके बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, लुब्रो सीखिया नाम अन्य भाषा करना बहुत जरूरी है। मैं जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, जब आत्मा आपको प्रार्थना में मदद करता है, जानते क्या होता है आपके शरीर में, सबसे पहले आपकी बॉडी में एक एनर्जी आती है, एक बड़ी ज़बरदस्त, जैसे आपको फील होगा कि आज मेरी बॉडी में बहुत ताकत है, एक एनर्जी है जब आपके अंदर आत्मा काम करेगा। उसके बाद जब प्रेयर तुम करोगे तो तुम्हारे मुंह से शब्द, चाहे तुम किसी भी बात को करो, चाहे तुम अन्य भाषा बोलो, इतने ज़्यादा तुम्हारे मुंह से फ्लो से बोले जाएंगे तुम रोक नहीं पाओगे। ये होता है आत्मा जब काम करता है, स्पिरिट। फिर तुम इतनी स्ट्रॉन्ग प्रे करोगे तुम्हारा मन हटेगा ही, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, ये होता आत्मा का फ्लो, तुम्हें लगेगा नहीं बॉडी में कोई थकावट है। ये बड़ा विषय है, और साथ में फ्लो के साथ अन्य भाषा आएगी। तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, पवित्र आत्मा उनके पास है। ये विश्वास करना है मेरे अंदर आत्मा काम करता है, मेरे पास आत्मा है। तो आइए, जितने लोग अन्य भाषा नहीं करते वो विश्वास करो कि मेरे मुंह से अन्य भाषा आ रही है,
लुब्रो सख्याना रे बा 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 ओरी जंग रे बी 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 लुब्रो सख्याना दी अंदर दी बी लबद्र कृष्ण रे बा। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान पिता का, वो तुम्हारे साथ है। अगर जो भी तुम्हारे जीवन में जब प्रार्थना करते हो जैसे मैंने समझाया, उसे डांटना है, कहना आउट, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं चुना गया हूँ संसार से, अंधकार से, मेरे अंदर उसकी सामर्थ काम कर रही है, मेरे अंदर पावरफुल पवित्र आत्मा काम कर रहा है, मैं फ्लो से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना में मेरी मदद कर रहा है, हर रुकावट आउट है, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग प्रे करने वाला बन चुका हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ, किसी भी तरह की रुकावट मेरी जिंदगी में नहीं है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, इस दुनिया में खास हूँ, परमेश्वर की इच्छा के लिए चुना गया हूँ, मैं बढ़ चुका हूँ प्रार्थना में, मेरे परिवार के मेंबर, मेरे घर में जितने भी लोग हैं सब प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, खुदा ऐसा कर चुका है, उसकी सामर्थ काम कर रही है, मेरे शरीर में काम कर रही है, हर रुकावट टूट चुकी है, मैं प्रार्थना फ्लो के साथ कर रहा हूँ, आत्मा मदद कर रहा है, परमेश्वर की ताकत सामर्थ मुझ में काम कर रही है, मैं बढ़ चुका हूँ प्रार्थना में, हर रुकावट टूट चुकी है, मेरी प्रार्थना स्ट्रांग है, मैं स्ट्रांगली प्रार्थना कर चुका हूँ, स्ट्रांगली प्रार्थना कर चुका हूँ, स्ट्रांगली प्रार्थना कर चुका हूँ, उसकी जीवन शक्ति मुझ में काम कर रही है, हालेलुया। तो मैंने तो अभी ये लास्ट में एक छोटा सा आपको प्रे का टॉपिक दिया, क्योंकि ये था सिर्फ इस टॉपिक के मुताबिक प्रे करना। अब जो जो भी विषय आपने रखने हैं परमेश्वर के सामने, चाहे आपका बिजनेस का हो, आपके अंदर गंदे सपने आते हो, आप अच्छे से सो नहीं पाते, आपकी बॉडी में कोई रोग है, बीमारी है, तो यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से, मतलब आप टॉपिक को अपने आप आत्मा से समझ आ जाएगा कैसे कैसे करना है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे, मैं बिलीव करता हूँ इस टॉपिक से आपको बहुत बड़ी मदद मिल चुकी होगी और आप बड़ी ज़बरदस्त उन्नति और तरक्की करोगे, इस दुनिया में आगे बढ़ोगे, एक ज़बरदस्त प्रॉस्पेरिटी का जीवन तुम और तुम्हारा परिवार जिएगा। इसको आपने ज़बरदस्त टॉपिक को अपने जीवन में सुनना है और लागू करना है इस वचन को। ओके, तो मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ वेंसडे, क्योंकि वेंसडे एंड सैटरडे में आप लोगों के लिए फ़िलहाल एक शॉर्ट मैसेज, बहुत लंबा नहीं है, 20-22 मिनट का होता है तुम लोगों के लिए। लेकिन याद रखना संडे हीलिंग मीटिंग होगी और ज़बरदस्त होगी, आप लोगों ने पहुंचना है और परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बढ़ा चुका है, बड़ा प्रेयर वॉरियर बना चुका है। आमेन, आमेन, आमेन।